हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम व्रत में खाने वाली समा के चावल की खिचड़ी बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। हमने एक कप समा का चावल लिया है, धोकर हमने 10 मिनट पहले इसको भिगो दिया था। और एक चम्मच नमक है और दो हरी मिर्च काट ली है और ये थोड़ा सा अदरक है, इसको हमने कद्दूकस किया है। और ये एक आलू लिया है, इसको हमने काट लिया है। और ये दो टमाटर हैं और आधा बाउल पीनट्स है और कुछ करी पत्ता लीव्स है और दो टेबल स्पून ऑयल है। हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने ये कच्चा आलू लिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। हमें बस ये फ्राई करना है थोड़ा सा। आलू फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में हम जीरा डाल लेते हैं। एक चम्मच हमने जीरा लिया है। गैस की फ्लेम सिम कर देंगे। अब इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक पेस्ट भी डाल देते हैं, करी पत्ता लीव्स डाल देते हैं। अब ये टमाटर भी डाल देते हैं। अब हम सभी सामान अच्छे से भून लेंगे। अब हम ये पीनट्स भी डाल देंगे, ये पीनट्स भुने हुए हैं। अब हम ये आलू जो अभी हमने फ्राई किए थे इनको भी डाल लेते हैं। अब इसमें समा के चावल भी डाल लेते हैं। एक चम्मच सेंधा नमक डाल लेंगे, इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे सभी सामान को अच्छे से। दो कप हम इसमें पानी डाल देंगे, इसी नाप से हमने समा के चावल लिए थे। अब हम ढक के 10 मिनट इसको पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। खिचड़ी हमारी बन चुकी है, अब हम प्लेट में खिचड़ी को सर्व कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। खिचड़ी हमने प्लेट में सर्व कर ली है, अब आप ऐसे ही बना के व्रत में एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।